जैसे शास्त्र कहते हैं द लॉस ऑफ सीमन इज द ग्रेटेस्ट लॉस, धन का लॉस, इवन हेल्थ का लॉस, इतना बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा लॉस है वीर का नाश। और हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन ही बताती है किस तरह से वीर का नाश ही किया जाए, फॉर सम चीप थ्रिल ऑफ कपल ऑफ सेकेंड्स, दैट्स इट। सारी सिविलाइजेशन ही इसलिए इसलिए। लेकिन जो व्यक्ति वीर को अपने अंदर रखेगा, ओजस्वी, तेजस्वी, दिस पर्सन विल बिकम मोर ब्रॉड हार्टेड, मोर एक्यूट इन हिज इंटेलिजेंस। शास्त्र बहुत अच्छे समझ में आते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से। उम्र लंबी होती है, पर्सन बिकम्स डिसीज फ्री, ऑलमोस्ट डिसीज फ्री बाय ब्रह्मचर्य। और दिव्य चीजों को समझने में आसानी होती है, दिव्य चीजें हैं वो डाइजेस्ट होती है, अरे हाँ तो ऐसा हो जाएगा, अरे तो ऐसा हो जाएगा। पर जो लोग अपने वीर का नाश करते रहते हैं उनकी बुद्धि फिर जड़ हो जाती है। समझ नहीं आता था क्या दिया है भगवदगीता में, तू लड़ ले वो कह रहे नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, ये तू लड़ ले नहीं नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ ले नहीं लड़ूंगा लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा ले लूंगा, नहीं लड़ ले। गीता में फाइनली बोला ठीक है भाई मैं लड़ लेता हूँ, कहते किताब यही है, ये कह रहा तू लड़ ले कह रहा नहीं लड़ूंगा, ये तो लड़ ले। ये तो हमको समझ में नहीं आई साहब, कहते ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नहीं सर वो तो हम भा देते हैं, अपना वीर तो हम भा देते हैं फॉर सम चीप थ्रू इधर थ्रू बैड हैबिट्स और विद समवन। तो स्त्री की शक्ति होती है पवित्रता के अंदर। अगर वो पर पुरुष को भोग की दृष्टि से ना नहीं देखती, ऐसा विचार नहीं लेके आती और अपने पति के प्रति वफादार रहती है, इससे स्त्री के अंदर बहुत शक्ति आती है, दैट शी कैन अंडरस्टैंड शास्त्रास, दिव्य ज्ञान को पचा लेगी वो अपनी पवित्रता के कारण, बिकॉज ऑफ हर चेस्टिटी। और जो पुरुष होता है उसकी शक्ति होती है ब्रह्मचर्य के अंदर। सो प्रभुपाद जी बोला करते थे ऑल वुमन शुड गेट मैरिड एंड ऑल मैन शुड बी ब्रह्मचारीज। तो भक्त बोले श्री प्रभुपाद हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे कैसे होगा? प्रभुपाद जी का दैट इज योर मैनेजमेंट, वो आपका पर्सनल मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट करना है उसको दैट यू सी। पर लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, जो ब्रह्मचारी है उनको ब्रह्मचारी रहना चाहिए, और जो गृहस्थ है दे शुड ऑल्सो ट्राई टू फॉलो दिस ब्रह्मचारी एज मच एज पॉसिबल। ब्रह्मचारी बहुत शक्ति है, ब्रह्मचरिति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म के लेवल पे चलता है ना, यानी कि दिव्य धरातल पे चलता है, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो इसीलिए ये ब्रह्मचारी का बल है, दैट इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्रह्मचारी। जब प्रभुपाद सिंह ने पूछा कि श्री प्रभुपाद आपका प्रभाव चारों ओर, अब जहाँ जाते हैं लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आप जो बोलते हैं वो दिल को छूता है, ऐसा कैसे श्री प्रभुपाद, क्या चीज़ है जिससे जिसमें विच मेक्स यू सो पोटेंट? प्रभुपाद ने कहा बिकॉज आई हैव नो सेक्स डिज़ायर, आई नो डिज़ायर फॉर सेक्स लाइफ, दैट गिव्स मी पावर। अफकोर्स प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध वैष्णव है, ही हैज़ अ पोटेंसी फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टूगेदर, बट यस प्रभुपाद जी यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं दैट जितने ज़्यादा हम सेक्स डिज़ायर से फ्री होते जाते हैं मोर यू बिकम पावरफुल, द डिज़ायर फॉर सेक्स लाइफ मेक्स अस वीक। और जो इतना इस कार्नल प्रेशर के पीछे बहता चला जाता है उतना ज़्यादा ना उसका चरित्र वीक होता चला जाता है, उसका ओज, उसका तेज कम हो जाता है, उसकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, उसका शरीर जो है जर्ज। और जितना कोई व्यक्ति अपना वीर बहाता है यंग एज में, उसका बुढ़ापा उतना दर्दनाक होता है, कष्टदायक होता है, बुढ़ापे में बहुत कष्ट पाता है। अरे जिसने यंग एज में बहुत भोग किया करता है, अरे ये जवानी है दीवानी, कोई बात नहीं सर बुढ़ापे में तुम पिटोगे बेटा अच्छे से फिर। तो इसीलिए यंग एज में इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ब्रह्मचर्य का पालन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये करना चाहिए।